वेलकम बैक टू अवर लाइव ट्रेडिंग वीडियो, दिस इज कौस्तुभ, दिस इज विशाल। सो टुडे इज 12th ऑफ जैन, एक्सपायरी है आज निफ्टी की। सो हमने अभी एक एंट्री ले ली है, अराउंड 7000 करंट MTM चल रहा है प्रॉफिट, और अभी स्ट्रैंगल पे है हम। 6 LTP का पुट है और 7 LTP का कॉल, और ये दोनों हेज लिए, अराउंड 36000 क्वांटिटी। तो आज की रिस्क हमारी अराउंड 40,000 है। एक्चुअली हम कम करने वाले थे, बट आज थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है मार्केट में, तो थोड़ा बढ़ा, फिर से बढ़ा दी, 40,000 कर दिए। अदरवाइज हम बहुत ही रिस्क फ्री ट्रेड लेने वाले थे और OTM लेने वाले थे थोड़ा। तो आज ये देखो, थोड़ा मूवमेंट ना कम हुआ है। कल का देखो मूवमेंट बहुत ही बड़ा था इस कंपैरेटिवली, आज का देखो बहुत ही कम है, और ओवरऑल प्रीमियम भी बढ़ गए थे आज, ओवरऑल 90 के भी नहीं हुआ था। तो अभी अगर ये ऊपर की लेवल ब्रीच होती है, ये न्यू हाई ब्रेक करता है, तो एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमको। अभी हम रिस्कॉन ही करेंगे, क्योंकि LTP बस 6 and 7 है, तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा इसमें, अराउंड 40,000 to 50,000 हो सकता है अगर ये भी जीरो हो गए तो रिस्कॉन करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा अराउंड 13-14 LTP का रिस्कॉन रहेगा पुट या फिर कॉल में, और अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम इस स्विंग तक वेट कर सकते हैं। देखते हैं पहले कैसे इम्बैलेंस होता है, अगर पुट अगर ज़्यादा बढ़ता है तो थोड़ा और पहले भी करना पड़ सकता है यहाँ पे। तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है हमें कि बहुत बड़े मूवमेंट नहीं है, स्लोली हो रहा है, कैंडल साइज भी इतने बड़े नहीं लग रहे एज कंपेरेटिवली कल के जितना। तो अभी और कोई अपडेट लगता है तो विल कीप यू अपडेटेड। टाइम इज 11:40 एंड निफ्टी ने 150 पॉइंट का टॉप से फॉल दिया, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ है। तो टोटल अगर फॉल कैलकुलेट करें तो ये 150 पॉइंट का फॉल, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा एक रेंज में साइडवेज हुआ है। बट आज जो फॉल है वो मैनेज हुआ है, बिकॉज आज तो प्रीमियम थे ना थोड़े से ज़्यादा थे, जो प्रीवियस एक्सपायरीज को जितने प्रीमियम मिलते थे उससे आज अच्छे प्रीमियम थे, इसकी वजह से अच्छा सा मैनेज हुआ है। एंड करंटली वी आर अप बाय 19,000। तो अभी इस ट्रायंगल की पोजीशन चल रही है 17,700 के पुट्स एंड 17,950 के कॉल्स। तो अभी ये बैलेंस में चल रहा है 7 and 6। डीके भी अच्छा हुआ है दोनों में, तो अभी देखेंगे अगर लो ब्रेक होता है ना, तो अगर पुट ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दी तो यहाँ पे कॉल से क्रेडिट लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट रिस्क ऑन करने के बारे में। मतलब जो 950 का पुट है यहाँ पे, वो एग्जिट करके नीचे आएंगे 900 के पुट पे, 17,900 के। पर वो भी डिपेंड करता है अगर बिहेवियर कैसा रहता है, अगर थोड़ा सा हमें बिहेवियर में ज़्यादा स्पाइक वगैरह दिखता है तो रिस्क ऑफ ही करेंगे। मतलब जो पुट है 17,700 का ये लेवल का, इसको निकाल के नीचे की तरफ रिस्क ऑफ करेंगे 650 पे। तो जो भी सिचुएशन बनती है उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद हम फिर से पोजीशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे दो एडजस्टमेंट हुए थे, एक बार 17,750 का पुट को 17,700 के पुट पे शिफ्ट किया, एंड जो कॉल था उसको यहाँ पे दो बार नीचे की तरफ लेके आए 18,050 से 18,000, एंड उसके बाद अभी 17,950 पे। तो कॉल से अच्छा क्रेडिट लेके हमने मैनेज किया है, तो देखेंगे अभी फिर से अगर कोई एडजस्टमेंट लगते तो पोजीशन आपके साथ शेयर करेंगे। इट्स 138 और अभी करंट MTM अराउंड 21,000 प्रॉफिट चल रहा है। अभी 5 LTP और 8 LTP पे सेल किया हमने, स्ट्रैंगल पे है। थोड़ा धीरे धीरे हम क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा क्रेडिट भी लेना, प्रॉफिट नहीं होगा अगर दूर है तो, क्योंकि प्रीमियम डाउन हो रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ एक सीधा अप मूव देखने को मिला, कॉल ने एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ी, उसके बाद सीधा एक शार्प फॉल, नीडल जैसे शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिला है निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में। तो यहाँ पे भी फिर से एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ी। तो अभी कॉल थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है, देखो पुट ने डीके दिया है 22,000 करंट प्रॉफिट। अभी ये इम्बैलेंस होता है तो, और अभी हमको रिस्क ऑफ करना पड़ेगा,
ज़्यादा क्लोज अंदर नहीं आ सकते अभी, तो अगर ये ऊपर जाने लगता है और ये ग्रीन लाइन है हमने मार्क की है, इसके ऊपर अगर जाता है तो हम रिस्क ऑफ करेंगे कॉल या फिर पुट रिस्क ऑन की सोचेंगे, और अगर नीचे जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम पुट रिस्क ऑफ करेंगे सो या फिर कॉल भी रिस्क ऑन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ द प्रीमियम। अगर थोड़ा हेवी बढ़ता है प्रीमियम अच्छे मतलब ओवरऑल बढ़ते हैं तो हम रिस्क ऑन ही करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर कम होते हैं तो रिस्क ऑफ करना ही बेहतर होगा। तो अभी कुछ एडजस्टमेंट लगती है तो वी विल कीप यू अपडेटेड। टाइम इज 3:24, मार्केट क्लोज होने के लिए अभी 5 मिनट बाकी है एंड एवरेजिंग भी हो चुकी है, तो यहाँ पे अराउंड 52,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है। बहुत एडजस्टमेंट लगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारा और स्ट्राइक आपको दिखाई दे रहे हैं, बट मार्केट ही वॉलेटाइल है तो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक स्टीप फॉल मॉर्निंग सेशन में हुआ था, उसके बाद यहाँ पे पूरा वॉलेटिलिटी बढ़ती गई, मतलब यहाँ पे देखो ये जो चैनल की रेंज है ये बढ़ती गई है, मतलब वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा बढ़ी है दोपहर मॉर्निंग के बाद। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी बहुत लगे नीचे की तरफ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसे दिखाया, ये रेंज का ब्रेकआउट किया, इसके बाद अगेन शार्प रिकवरी, जो जितना बड़ा फॉल था नॉन स्टॉप उतनी रिकवरी, ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट किया अगेन एंड अगेन यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रैप एंड एवरेजिंग के टाइम पे यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल। तो एवरेजिंग के लिए सिर्फ 2 मिनट बाकी थे तब आपको मैं कॉल दिखाता हूँ कितना बड़ा स्पाइक मारा है कॉल। यहाँ पे 3.7 पे आया था कॉल, तो 3.7 से ये नॉन स्टॉप 20 तक इसने हाई मारा है। तो इस तरह की बड़े मूवमेंट हो रहे हैं ऑप्शंस में, तो इसके वजह से बार बार एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। पर ठीक है, मैंने जो है हमने स्टॉप लॉस प्लेस किए थे अच्छे लेवल पे एंड स्टॉप लॉस प्लेस करके जब हिट होते थे उसके बाद एडजस्टमेंट करते थे। तो 52,000 और अच्छा प्रॉफिट है, जैसे कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी बड़ी है उसके बावजूद यहाँ पे 1% यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, तो ठीक है अच्छा प्रॉफिट है। मंथ काफ़ी टफ जा रहा है, उस बहुत दिनों बाद ये अच्छी एक्सपायरी मतलब प्रॉफिटेबल एक्सपायरी यहाँ पे देखने को मिली है। तो अभी कल फ्राइडे एंड फ्राइडे को देखेंगे ट्रेड करेंगे या फिर नहीं, वो डिपेंड रहेगा प्रीमियम पे एंड मार्केट कहाँ पे खुलते हैं, प्रीमियम कितने मिलते हैं। अगर अभी चेक करें हम प्रीमियम नेक्स्ट एक्सपायरी नेक्स्ट वीक के, तो यहाँ पे देखते हैं कितने प्रीमियम है, अराउंड 131-148, तो अच्छे प्रीमियम है, प्रीमियम बढ़े हुए हैं। प्रीवियसली 15-20 दिनों पहले प्रीमियम फ्राइडे को ओपनिंग में 110-120 ऐसे थे और उसके नीचे भी गए थे 105-100, तो अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इसमें कल ज़्यादा डीके नहीं होता, आईवी क्रैश नहीं होता मॉर्निंग में, तभी सोचेंगे ट्रेड लेना है कि नहीं। अगर कल ट्रेड करते तो उसकी भी वीडियो करेंगे, नहीं करते तो स्किप करेंगे। तो ठीक है, अभी इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।